नमस्कार, स्वागत करते हैं आज के दिन का इस उम्मीद के साथ कि आज का ये खूबसूरत दिन हमें हमारे सपनों की तरफ, हमें हमारी मंजिलों की तरफ एक और कदम आगे लेकर जाएगा। तो हमें जीना है आज के दिन को, हमें समझना है आज के दिन को, क्योंकि दिन सही नतीजे तभी देता है जब हम दिन को सही ढंग से जी पाए। तो कैसे जीना है आज के दिन को, आइए जानते हैं ज्योतिष गुरु से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्टूडियो में। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु के साथ दिन को प्लान करना एक ऐसा मौका होता है जब ये कॉन्फिडेंस मन में आ जाता है कि बस अब पूरा दिन हमारे नियंत्रण में है। लेकिन उसके लिए आपको भी प्रयास करना, कोई थाली में परोस कर आपको कुछ दे दे तो खाना तो पड़ेगा, कुछ प्रयास तो आपको भी करने पड़ेंगे। तो हम सब कुछ आपको बता देते हैं बहुत आसान जुबान में, लेकिन आपको अगर वाकई अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो अमल करना है उन टिप्स पर जो आप सबको अलग अलग दिए जाएंगे आपके राशिफल के साथ। अभी बच्चा, आज 28 दिसंबर 2018 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। पौष मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है देर रात 3:50 तक और उसके बाद अष्टमी तिथि। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है सुबह 10:07 तक और उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं सिंह राशि में और चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 3:47 तक। आज भद्रा है शाम 4:42 तक। पंचांग तो आपने जान लिया, आप क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु आपसे आपके बारे में? मेष और वृषभ, आपकी बात सबसे पहले। मेष राशि वालों का बढ़ता हुआ आत्मविश्वास आपके रिश्तों पर अच्छा असर डाल सकता है। लोग भी आपकी हर तरह से मदद करना चाहेंगे और रिश्तों की अच्छाई भी आपको भरपूर नजर आएगी। पर इस समय की समस्या ये है कि आप लोगों से जुड़ने के बजाय पीछे हटते चले जा रहे हैं और इसी बात को भली भांति समझ लेने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय? कामकाज के क्षेत्र में कोई प्यार का रिश्ता आपको लुभा सकता है और उससे जुड़ी बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिन्हें संभाल कर चलाना होगा, क्योंकि उसका बुरा असर आपकी बिगड़ती हुई छवि के रूप में आपके कामकाज के क्षेत्र में पड़ सकता है। इसलिए अपने बढ़ते हुए कदम को कुछ हद तक रोक लेने की भी जरूरत है। क्या न करें इस समय में? ऐसा ना सोचते चले जाएं कि सब कुछ अपने आप संभल जाएगा, और ऐसा सोचकर आप अपने लिए कोई बड़ा खतरा भी न मोल लेते चले जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपके किसी भी तरह की परेशानी का कारण बन जाए। वृषभ राशि वाले ये समझ लें कि अगर जिंदगी में किसी भी तरह का सुख है तो उसे अपनी शख्सियत में पूरी तरह से उतारना होगा, ताकि लोगों के प्रति आपका व्यवहार भी उतना ही मधुर और शांत बना रहे, क्योंकि ये समय ही कुछ ऐसा है जो आपके विचारों में किसी न किसी तरह की तेजी लाए, जिसके चलते किसी भी तरह के तकरार की स्थिति बने और इसी बात से बचकर निकल जाने की जरूरत पड़े। क्या करना चाहिए इस समय? पारिवारिक परिस्थितियों को संभाले रखना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। आपकी अच्छी कोशिशों के बावजूद हो सकता है लोग आपके फिर भी खिलाफ ही बने रहें, इसलिए बहुत सारी व्यवहारिकता अपनानी होगी और निजी जीवन में और कामकाज के क्षेत्र में तालमेल बनाए रखने की भी कोशिश करनी होगी। क्या न करें इस समय में? इस बात को लेकर परेशान न होते चले जाएं कि सब कुछ आपके मन मुताबिक नहीं चल रहा। जिंदगी का बढ़ता हुआ दबाव और आपके साथी सहयोगियों के विचार आपको परेशान कर सकते हैं, जिसके चलते आपको लगेगा कि लोग आपसे किनारा कर रहे हैं। पर ऐसे में अपने अंदर झांकने की भी जरूरत पड़ेगी, ताकि आपकी ओर से कोई गलती ना हो जाए। तो आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण की जरूरत पड़ेगी, अपने अंदर झांकने की जरूरत पड़ेगी इस समय आपको। हमें जरूरत है एक सवाल लेने की, क्योंकि सवाल हमसे पूछ रहे हैं पंकज सिंह, 11/2/1993 8:30 रात में इनका जन्म हुआ है अल्मोड़ा। जाना ये चाहते हैं कि शादी क्यों नहीं तय हो पा रही है, तो शादी का योग कब तक है और नौकरी का योग कब तक है? पंकज, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है बुध की 2019 तक। कब तक बेहतर जॉब लगेगी और कब शादी होगी, ये सवाल आपने पूछे। 2020 में आपके लिए अच्छी जॉब मिल सकती है, लेकिन अपने मन से ये जो असंतोष आपने बिठा रखा है उसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि उस असंतोष से कुछ हासिल होता नहीं है, बल्कि काम से अपना मन हट जाता है और कुछ भी इंसान कर नहीं पाता, इस बात को समझे। जहाँ तक आपने शादी के बारे में पूछा, तो 2019 से 2020 के बीच में आपकी शादी हो सकती है। आगे बढ़ेंगे सर, और अब बात करेंगे हम मिथुन और कर्क, आपके लिए कैसा है आज का दिन? मिथुन राशि वालों का रिश्तों के प्रति झुकाव अच्छा है, ये और बात है कि बहुत सारी चीजें फिर भी आप संभाल नहीं पा रहे। घर परिवार में तनाव बना रह सकता है, जिसे समय रहते संभाल लेने की जरूरत है। उसके लिए अपने अंदर लोगों के प्रति बहुत सारी विनम्रता अपनानी होगी, ताकि लोगों की गलतियों के बजाय आप लोगों की अच्छाई को देख सकें।
क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते में आपका मन बहुत ज्यादा है, आपकी इच्छाएं भी बढ़ रही हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप बहुत कुछ करने को तैयार हैं। ऐसे में अपनी जिंदगी की और प्राथमिकताओं की ओर भी देखना होगा ताकि उन रुकावटों का भी जायजा कर लिया जाए जो आपके लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। क्या ना करें समय में? लोगों से बढ़ता हुआ तकरार ठीक नहीं है। जो लोग आपके साथ रहे हैं उन्हीं के प्रति गलत सोचना कभी भी अच्छा नहीं होता, इसलिए अपने मन में ऐसे कोई विचार न बिठाएं जो आपके मन में किसी भी तरह का शक पैदा करते चले। कर्क राशि वालों के लिए जिंदगी की खुशियां भरपूर है और हालात हर तरह से मददगार है और यही चीज आपको आगे बढ़ने का मौका देगी। क्या करना चाहिए समय? अपनी आर्थिक स्थिति को फिर भी संभाल कर चलाना होगा क्योंकि आपका पैसा कहीं फंसने का अंदेशा, इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। अपनी बचत को कहीं फंसाते चले जाने से बचना ही होगा आपको, कुछ भी हो जाए। क्या ना करें समय में? लोगों के प्रति किसी भी तरह के नकारात्मक विचार न रखें और ऐसा करते हुए खुद पर भी भरोसा करें, क्योंकि अगर आप अपने व्यवहार को बदल लेंगे तो आपको अपने आसपास के लोगों में भी अच्छाई नजर आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए किसी के प्रति अपने मन में द्वेष बिल्कुल ना रखें। कोई जरूरत ही नहीं है अपने मन में द्वेष रखने की किसी के लिए। सिंह और कन्या राशि, द्वेष वैसे भी बड़ी नेगेटिविटी देता है आपको। खुद के लिए अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचिए और जब आप इस तरह का सकारात्मक ख्याल अपने दिमाग में रखते हैं तो सब कुछ सकारात्मक होता भी है। आज क्या होना है और आपको क्या करना है वो नोट कीजिए। सिंह राशि वालों की कोशिशें भी अच्छी हैं और उन कोशिशों को अंजाम देने के लिए आप अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन भी लाए। जो चीजें आपको पहले परेशान कर रही थी अब उन्हें भी संभालने का मौका मिलता चला जा रहा है और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। क्या करना चाहिए समय में? पढ़ाई लिखाई के माध्यम से अपनी कोशिशों को बढ़ाया जा सकता है और अपनी कोशिशों से अपना भविष्य बनाया जा सकता है, लेकिन इस समय की प्राथमिकता यह है कि आपको अपने साथी सहयोगियों से जुड़ना होगा ताकि पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चुनौतियों को भी साथ ही साथ संभाल लिया जाए। क्या न करें इस समय में? सेहत को लेकर किसी भी तरह का खिलवाड़ बिल्कुल न करें। अगर मन में किसी भी तरह का शक है तो पूरी छानबीन करने में इस समय कोई कमी बिल्कुल न रखें। हालात धीरे धीरे ही संभलेंगे, इसलिए ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि रातों रात कोई परिवर्तन हो जाए। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी ठीक है और आप अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर कुछ ना कुछ ऐसा होता चला जा रहा है जिसके चलते आपके मन की व्यथा उजागर हो रही और यही ठीक नहीं है। अपनी परेशानियों को अपने तक रखने से भी फायदा हो सकता है। क्या करना चाहिए समय? कोशिश ये करनी चाहिए कि घर परिवार में आप अपनों को समझें और उनके करीब आ जाएं, पर हो ये रहा है कि आप दूरियां बनाते चले जा रहे हैं या हालात ऐसे बन रहे हैं जो आपको दूर रखे हुए हैं, इसलिए अपने हालात को समझते हुए उन्हें अपने हित में ढालना होगा और इस तरह की सोच बनानी होगी कि आपसी तालमेल बना रहे। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते को लेकर अपने मन में कोई ऐसी इच्छाएं ना पालें जिन्हें इस समय पूरा करना मुश्किल हो जाए, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपनी ओर से रिश्तों को बिगाड़ते चले जाएं। कोशिश ये करनी होगी कि आपकी ओर से आपके आंकलन में कोई गलती ना हो। तो कोशिश ये करनी है कि आंकलन सही होना चाहिए, अपनी तरफ से कोई गलती आपको नहीं छोड़नी है आज के दिन। पूनम सोरेन का सवाल है सर, 30/3/1992 बोकारो स्टील सिटी, 7:55 रात में। अच्छी नौकरी और शादी का योग कब तक है? एक लड़के को पसंद करती हैं, माता पिता को बता भी चुकी हैं, लेकिन समस्या कास्ट की है तो अब घर वाले शादी के लिए मना कर रहे हैं। इनकी माता जी ने किसी पुजारी जी से पूछा, उन्होंने भी मना किया कि शादी ठीक नहीं रहेगी, लड़की को बहुत तकलीफ होगी। बहरहाल ये समझ नहीं पा रही हैं कि ये क्या करें, क्योंकि अपने परिवार को भी साथ लेकर चलना चाहती हैं और उस लड़के को भी छोड़ना नहीं चाहती हैं। अभी इनके लिए सही क्या है, कहाँ पर ये फोकस करें? पूनम, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है शुक्र की जुलाई 2021 तक। अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं और आपके माँ बाप इस प्रपोजल को लेकर राजी नहीं, तो बड़ी परेशानी की बात है, इसलिए आप बहुत दुखी हैं। देखिए, आपकी शादी हो सकती है मार्च से जून 2020 में, तो अभी समय है बहुत ज़्यादा और हो सकता है तब तक ये परिस्थितियाँ ही बदल जाएँ और आपकी सोच और आपकी इच्छाएं भी बदल जाएं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई फैसला करना इस समय ठीक नहीं है। समय बीत जाने दें, उन परिस्थितियों को उभर जाने दें, सब कुछ ठीक है। आगे बढ़ेंगे सर, और तुला और वृश्चिक राशि अब आपके लिए जानेंगे कि कैसा है आज का दिन और क्या है करना, कैसे है करना और क्या नहीं करना है। तुला राशि वालों की अच्छाई इस चीज में है कि आप हर चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी कमी इस रूप में है कि आप लोगों से व्यर्थ की बहस में पड़ते चले जा रहे हैं।
शायद अपने अंदर थोड़ी सी विनम्रता बनाए रखने से इन परिस्थितियों को संभालना आसान हो सकता है। क्या करना चाहिए समझ? अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो ये अच्छा विकल्प हो सकता है। उसमें अगर आपका पैसा लगे तो वो खर्चा आपको भविष्य में मदद कर सकता है। इसलिए ऐसी सोच बनानी होगी जो आपको किसी अच्छे कार्य में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरणा देती चली जाए। क्या न करें समय में, निजी जीवन के हालात को समझने में कोई कमी न रखें और ना ही कोई असमंजस की स्थिति बनने दें। किसी के उकसाने की वजह से कोई ऐसी स्थिति न उत्पन्न होने दो जो किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाए। वृश्चिक राशि वालों के लिए दूर स्थान के विकल्प आपको बहुत लुभा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जो आपको कहीं बहुत दूर ले जाए। इच्छाएं अपनी जगह सही हैं, पर अपने कामकाज की प्राथमिकता को समझते हुए उन इच्छाओं को पूरा करना मुश्किल भी हो सकता है। क्या करना चाहिए सर? कामकाज में नियमित बने रहना होगा ताकि आपकी मेहनत उसमें लगी रहे और आपकी जिंदगी की स्थिरता भी बनी रहे। ऐसे में हालात आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। इसलिए किसी भी तरह की परेशानियों को अपने मन में बढ़ाने से बचना हो। क्या ना करें इस समय में, अपनी कोशिशों को किसी कमी की नजर से न देखें। हर प्रयास के पीछे कोई ना कोई रुकावट छुपी हुई है और कई चीजें चाहकर भी आप कर नहीं पाते, लेकिन इस बात को लेकर इतने भी परेशान न होते चले। होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत चाहते हैं किसी चीज को और वो हम नहीं कर पाते। अब इसको लेकर परेशान हमेशा तो रहा नहीं जा सकता, इसके साथ हमें आगे बढ़ना है। वही आपको करना है, हमें भी आगे बढ़ना है। धनु और मकर, अब आपके बारे में जानना, कैसा है आज का दिन, क्या नहीं करना, किससे बचना। धनु राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से हालात आपकी हर तरह से मदद कर रहे हैं, पर कामकाज की स्थिरता को फिर भी बनाए रखने की जरूरत है। कोई बड़ा खेल खेलने से पहले इस बात को समझ लें कि ये गलतियों भरा समय है, इसलिए फैसले भी संभल कर ही करने होंगे। क्या करना चाहिए समय में, हालात भी मददगार हैं और आपकी मेहनत भी उसमें लगी हुई, इसलिए बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी इच्छाओं के अनुकूल ही चल रहा है। फिर भी किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना होगा ताकि किसी भी परिवर्तन की स्थिति को पहले भली भांति समझ लिया जाए। क्या ना करें समय में, ऐसा ना सोचें कि आपके लिए कोई कमी है, इसलिए हर चीज में परेशानियां न ढूंढें। कुल मिलाकर हालात आपकी हर तरह से मदद ही कर रहे हैं और तकदीर आपके साथ है, इसलिए कोई चिंता की बात वैसे ही नहीं। मकर राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति सुंदर बनी हुई है, जिसमें आपको नई प्रेरणा मिल सकती है। कुछ सीखने और कुछ समझने का भी अच्छा मौका है, जिसे अपने कामकाज के क्षेत्र में लगाकर आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्या करना चाहिए समय में, बहुत कुछ अच्छा होने के बावजूद आप परेशान, क्योंकि कुछ हद तक आपकी गलतियां भी हैं और कुछ हद तक लोग भी आपके खिलाफ ही जा रहे हैं, और इसलिए किसी भी तरह के नुकसान की स्थिति से बचना होगा और लोगों की बातों को ज्यादा समझते हुए अपने अंदर परिवर्तन लाने। क्या ना करें समय में, कोई ऐसी असमंजस की स्थिति ना बनाए जो आपकी मानसिकता को बिगाड़े और आपसे गलत फैसले करा दे, इसलिए अपने लिए कोई बड़ी रुकावट खड़ी ना करते चले। कोई रुकावट अपनी तरफ से ही क्यों खड़ी कर रहे हैं आप अपने लिए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कुंभ और मीन राशि, अब आपका राशिफल आएगा सामने और साथ ही आएंगे आपके लिए कुछ अचूक टिप्स। कुंभ राशि वालों के लिए हालात हर तरह से मददगार हैं, कोई कमी नहीं, फिर भी आपको लोगों से बहुत सारी सहायता लेने की जरूरत पड़ सकती है, जिसके लिए आपको लोगों से जुड़ना होगा, इसी तालमेल से आपको फायदा हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में, किसी भी तरह की पार्टनरशिप या साझेदारी से आपको फायदा हो सकता है, इसलिए ऐसी परिस्थितियां टटोलनी होंगी जिसमें आपको लोगों का सहयोग मिला रहे, और ऐसा करते हुए आपको अपने मन को बहुत शांत रखना होगा ताकि आपकी बात लोगों को समझ में भी आए। क्या न करें इस समय में, किसी भी तरह के नुकसान की स्थिति को बनने से पहले ही अपने हालात का सही जायजा लें। बचाव का माहौल बनाना अच्छी बात है, लेकिन हर चीज को कमी की नजर से देखते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि उससे अच्छी भली स्थिति में भी नुकसान हो सकता है। मीन राशि वालों के लिए पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा है जो आपके हित में हो सकता है। लोग आपकी अच्छाई को समझ पा रहे हैं और पीठ पीछे आपकी तारीफ भी कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक मददगार स्थिति होती है। क्या करना चाहिए समय में, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा जरूर जुटाएं, लेकिन इस बात को समझ लें कि क्या आपके हालात बेकाबू हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो अपने फैसलों को फिर से भली भांति समझने की जरूरत है। क्या ना करें समय में, पैसे से जुड़ी जरूरतों का और पैसे से जुड़ी परिस्थितियों का आंकलन करने में कोई गलती ना करें, और जरूरत से ज्यादा किसी चीज में हाथ भी ना डालें। मन की परेशानियों के चलते किसी से उलझते चले जाना कभी भी ठीक नहीं। तो फिलहाल अब आप सब ये चाहते हैं कि आपको ये बताया जाए कि वो कौन सी राशि है जिसके नाम खुलने वाला है जैकपॉट। कन्या राशि वालों के लिए आज के दिन में खास ये है जी,
कि निजी जीवन की प्राथमिकताओं को समझें और उस ओर अपना ध्यान लगाए रखें। जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता। जो भी असंतोष का क्षेत्र है उस ओर भी थोड़ा सा ध्यान दे लें, ताकि किसी से भी कोई तकरार की स्थिति न बने। अपनी अच्छी कही हुई बात को भी इस रूप से कहें कि लोग उसे भली भांति समझ पाए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये दिन बहुत खूबसूरत साबित होगा आपके जीवन में। अगर कोई मुश्किल, कोई रोड़ा, कोई बाधा आपके रास्ते में है, ईमेल आईडी नोट कीजिए aapketare@aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/tare। फिलहाल आज का ये सफर यहीं पर रुकेगा, लेकिन कल फिर इस सफर को आगे बढ़ाएंगे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।